नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का सवाल है क्वेश्चन इज अ कार ऑफ मास एम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सलरेट सो दैट द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द कार हैज अ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट हमें अब ये बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार विल बी प्रोपोर्शनल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होएगी ये सवाल है अपना ऑप्शन uh, है टी स्क्वायर पी नॉट या फिर अंडर रूट टी या फिर उन बाय रूट टी या फिर टी बाय अंडर रूट एम सिंपल सवाल है प्रपोशनैलिटी uh, हमें बतानी है ये सवाल बड़ा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल चेक करता है आपके इक्वेशन से आप कितना खेल सकते हैं और एट द सेम टाइम आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है uh, एक चीज मैं यहाँ पे नोट करवाना चाहूँगा मैं चाहूँगा सारे स्टूडेंट इस पे ध्यान दें कि जब हमने न्यूटन की इक्वेशन लिखी है न्यूटन की इक्वेशन जिस बेस पे डिराइव हुई हैं उनके पीछे क्राइटेरिया ये है कि फोर्स हमने वहाँ सब जगह या एक्सलेशन हमने सब जगह कांस्टेंट माना है इसलिए वो इक्वेशन आपकी वो इक्वेशन है जो अपनी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं अगर हमारा पावर कांस्टेंट होता फोर्स की जगह तो हमारी इक्वेशन डिफरेंट होती ये सवाल एक्चुअली वन ऑफ दोज इक्वेशन का डेरीवेशन है इसको हम रेगुलर क्लासरूम में तो करते ही हैं पर मैं चाहता हूँ ये हर स्टूडेंट को डेरीवेशन करना आता हो ये डेफिनेशनस और ये डेरीवेशन से खेलने की नीट में भी ज़रूरत पड़ती है राइट right. तो बड़ा सिंपल सवाल है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल मुश्किल नहीं है यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है हमें दिया है कि पावर पी नॉट वो होगा एफ़ डॉट वी तो अपने को पावर कॉन्सटेंट है और ये बाई डेफिनेशन हमें पता है कि एफ़ डॉट वी होता है नाउ इस एफ़ को हम लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू एम ए इन टू वी अब ए जो एक्सोलेशन है अब हमें रिलेशन बताना है वी और टी के बीच में तो ए को हम लिख सकते हैं डी वी डी टी यानी कि अपनी इक्वेशन हो गई पी नॉट इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय वी नाउ इसमें एक काम करते हैं वी वाली टर्म सारी एक साथ रख लेते हैं बाकी चीज़ों को एक साथ ले आते हैं सो ये हो गया वी डी वी इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय डी टी ये आपकी इक्वेशन यहाँ बन गई ठीक है सो इसी को अगर हम दोनों तरफ पकड़ के सांप का साइन लगा के इंटीग्रेट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा वी स्क्वायर बाय टू विल बी इक्वल टू पी नॉट बाई एम इं टू टी और इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वी नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी नॉट बाई एम इं टू टी यहाँ पर एक ट्वाइस और इसका अंडर उट ले लें तो ये वी की वैल्यू आ गई विच एम्प्लाइज वी जो है आपका डायरेक्टली प्रपोशनल होगा uh, अंडर उ के सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी अंडर उ वुड बी द राइट आंसर